She's beautiful in real. Geeta? कुछ ज्यादा ही भड़की हुई है. Just get divorced. Hey, what's up, guys? My name is and welcome. एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो. बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में फ्लाइट छूटने वाली है, तो आगे की डिटेल्स क्या है, कहाँ पे जा रहे, क्या है क्या नहीं, वो सारी हम पहुंच के बताते हैं. पहले फ्लाइट पकड़ ले, मुझे डाउट है कि पकड़ पाएंगे कि नहीं. गाइस डायरेक्टली फ्लाइट पे पहुंच चुके हैं, हमारी फ्लाइट मिस हो गई थी ऑलमोस्ट. हमारा तो लगेज भी नहीं लिया गया. सारी बातें सारी चीजें पहुंच के बताते हैं. स्टे ट्यून, अभी भी इंट्रो चालू नहीं किया मैंने. अभी ना फ्लाइट में दाल चावल खाया मैंने. अंकिता को अब तक पता नहीं है कि उसका सॉक्स मेरे जेब में पड़ा है. वैसे ही डिफेंस एयरपोर्ट है, यहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं है, तो मैं कैब में जाके बात करता हूँ. ओके गाइस, तो हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं. कहाँ पे सर? पागल है. यहाँ पे स्टारबक्स है, ये बोल रही है कॉफ़ी पिला मेरे को. 350 की कॉफ़ी, बाहर 10 रुपये मिल गया. आ जा चल बार. हाँ तो मत, मैं जाके पी लें. 350 की कॉफ़ी पीनी है इसको अभी. आई ना चल अब 100 रुपए की नहीं, बाहर जाके 10 रुपए वाली पिलाऊंगा. अच्छा यहाँ पे एक कैंडी है किसी की शादी की, लिखा है गोवा मैड इन लव, और उसके एग्जैक्टली ऊपर है ना ये होर्डिंग, ये देखो मेक लव. बाकी मैं पढ़ूंगा नहीं. पहले हमको लगा वो बोर्ड लेके भैया खड़े होंगे, पर वो पार्किंग में था, उन्होंने बोला मैं गाड़ी लेके ऊपर आ रहा हूँ. अभी भी आपको पता नहीं है हम कहाँ पे और क्यों आए हैं, वो गाड़ी में बैठ के ही बताते हैं. बहुत ज्यादा रश हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि वीडियो आधा खत्म होने वाला होगा पर इंट्रो चालू नहीं हुआ. क्या नाम आपका? विनोद. अब हम आपको बताते हुआ था क्या. थोड़ा सा लेट, ऑब्वियसली हम लेट हो गए थे. उन लोगों ने लगेज लेने से मना कर दिया, आगे से भी बोल दिया कि भाई फ्लाइट आपकी मिस हो चुकी है, आपको दूसरी फ्लाइट लेनी पड़ेगी. मेरा हो गया दिमाग खराब. नसीब अच्छे थे कि बड़ी बैगेज नहीं थी, कैबिन साइज की बैग में ही हमने हमारा सारा सामान रखा था. तो हमने बोला ये हैंड बैग में ले जाए, तो उन्होंने बोला हाँ हैंड बैग में, बाकी लगेज में कुछ भी नहीं जाएगा. मैंने बोला चलो भागे. उसके बाद मैंने सारी चीज़ें मिनी ब्लॉग में कवर की है, तो आप देखना ज़रूर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. पहली बार ऐसा हुआ कि फ्लाइट ऐसे छूट गई थी फिर भी हम पहुंचे. अब इम्पोर्टेंट बात कि हम लोग यहाँ कहाँ पे आए हैं और क्यों आए हैं. हम लोग आए हैं गोवा में, और गोवा में आए हैं YouTube की तरफ से. YouTube की हमारी पहली स्पॉन्सर्ड ट्रिप है, कम्प्लीटली स्पॉन्सर्ड बाय YouTube. और यहाँ पर है इफी, मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और हम जाने वाले हैं ऑन द रेड कारपेट, एंड सारा का सारा एक्सेस हमारे पास होगा. एंड देखते हैं, हमको ज़्यादा आइडिया नहीं कि वहाँ पर है क्या, बट इट विल बी फन डेफिनेटली. हम लोग करने वाले कम्प्लीटली उसका व्लॉग वगैरह वगैरह करेंगे, क्या क्या है सबका, आपको मिनी व्लॉग और इसमें दोनों में देखने मिलेगा, और मजे तो करेंगे. आपको भी सारी चीजें देखने मिलेगी. मैं जो बोल रहा हूँ ये फालतू में वापस से रिपीट कर रही है, मतलब कुछ भी, मतलब तो मैं क्या शो भी हूँ. हाँ अभी हम लोग जा रहे हैं होटल, जो कि है नो होटल है. अभी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है. Thank you.
क्या लगा? मैं सो नहीं रही थी, जाग रही थी मैं। झूठी। तो एयरपोर्ट से होटल हमारी एक घंटे के आसपास का रास्ता है। तो ये भैया हमको वहाँ से यहाँ तक लेके आए हैं। अब बहुत सारी बातें की हमने वैसे यहाँ पर। क्या तू इतने ध्यान से देख रही है ना अंकिता, मेरे को सब मालूम है। देख मैं पहले वार्न कर रहा हूँ, अपने आए हैं किसकी तरफ से? YouTube की तरफ से। ये होटल में से कुछ थामना नहीं, ग्लास चम्मच ये वो सब दूध देख रही है ना आसपास, मेरे को सब मालूम है। तो कुछ ये सारे पैकेट ग्लासेस चम्मच ये वो सब जिम्मेदार पर चोरी किया हुआ। देखा पैकेट चोरी किया इसने, मान गई ना? अरे कांटा चम्मच होती है ना, इकट्ठा कर लेती है। यहाँ पे मत करना, इज्जत जाएगी अगर ऐसा कुछ पकड़े गए तो। चोर। तो हमने लिया है 310 रुपए का यहाँ से आइसक्रीम। मुझे है ना पैसा दिलवाना था, उससे मुझे 350 की कॉफी ने पिलाई ना, तो मैंने उसे 300 की आइसक्रीम। इतना नाटक और झूठ बोल रही है ना कि पेमेंट इसने की है। पकड़ी गई। ऑक्सफॉर्म। हाँ पैसा मैं तो खाई रही कुछ। यही एरिया में दो दो नोवोटेल ही है, तो फाइनली हमको पता चल गया यहीं पे ही है। पढ़ा लिखा होता तो ये सब नहीं होता। सो हमको ये गाइड कर रहे हैं टू द रूम। अब व्हाट्स योर नेम? हैप्पी। दैट्स व्हाई यू ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू। हमारा रूम थर्ड फ्लोर पे है, हम आपको देंगे रूम टूर। रूम इसको पता नहीं है आगे आगे भाग रही है। यही दिया भगवान ने दिमाग में, वैसे नहीं दिया है। 1309। पहले वॉशरूम दिखाएंगे, ये रहा मैं। इसको छोड़ो, यहाँ पे आपको पता ही है महंगा खाना निकालने के लिए। और ये है शावर एरिया, डोंट वरी यहाँ पे कर्टन लग जाता है। पर ये एक रिस्की है यार, बाहर से लगता है वे। हद है। ये है बेडरूम एंड दिस इज, यहाँ पे मैं काम कर सकता है, जो मैं लैपटॉप लाई नहीं, सारा काम करके मैं आया हूँ मैं ख़त्म। एंड ये है, वाह अंकिता तेरे को पता चला कुछ? बता क्या पता चला? नहीं चला ना। इसलिए बोलता हूँ, नज़र और दिमाग दोनों कमज़ोर है तेरी। ये वाला जो बड़ा पूल एरिया है वो खाली है। देख ये खाली है, पानी तो ध्यान ही नहीं पड़ा। पानी उस वाले में, देख तेरा ध्यान तो काफी चीजों में नहीं पड़ता है। अभी मैं कितना हंसूंगा तेरे पे, देखो मालूम नहीं है। अंकिता ने ऐसी जींस पहनी है? हाँ। बूट कैसे पहने तूने बता? नहीं बता ना, नहीं बता बता तू बता, जल्दी निकल। इसने यहाँ तक की लेंथ वाले बूट्स को ऐसे फोल्ड करके नीचे तक पहना हुआ है। क्या हुआ? मेरे सॉक्स नहीं पहने थे। मुझे क्या पता, निकाल तो जूते निकालना यार। क्या पहने थे सॉक्स? मैंने घर से निकल जाओ कुछ भी तो क्या वो जूता खा के अंदर रह गए होंगे। देख ले, वही करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये देख। हाँ पहने रहे सॉक्स तो पहने। यस 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 तेरे पहने। देख ले अंदर हाथ डल के, मस्त हाथ में से बांस मारे फिर पाँव की। मेरी चीजों में से बात है नहीं है अंकिता बता चल प्रूफ, अभी मैं कट किया ही नहीं है वीडियो, बता मुझे दिखा है। दूसरा मोजा पहना है या नहीं? मोजा है या नहीं दूसरा? और नहीं है तो पहना नहीं है, सिंपल सी बात है। आया ना अपने जल्दी से, एक सेकेंड मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ तेरे को, मोजा है क्या नहीं है? तो जल्दबाजी में निकलते वक्त तूने पहनना भूल गई होगी, या फिर ये हो सकता है इधर देख। ये सब निकाल लेना मेरा प्लीज, वीडियो में मत डालना, लोग बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं फिर मेरे को। ट्रोल करते हो तेरे को? हाँ। तो फिर मुझे दोनों पहने का रखना। तो ये कहाँ रह गए मेरे घर में ना? ये राज तुझे सीधा वीडियो के वक्त देखने मिलेगा जब वीडियो अपलोड करूंगा। कुछ खाना ना मंगाते हैं देन इवेंट पे चलते हैं। तो ये हमने मंगाया है वेज फ्राइड राइस, यंकी तो अभी भी तैयार नहीं हुई है, पता नहीं कितने टाइम से इसको बोल रहा हूँ, लेट हो रहा है। नहाने की तेरे जैसे नहीं नहाए दो मिनट बैठ। तो हेलो, मैं दिन में दो बार नहाता हूँ, तेरी तरह नहीं, सपने में नहाते। गेट लॉस्ट। और ये देखो सारा पुलाव एक साथ डाल दिया ताकि सब ठंडा हो जाए। पुलाव भी नहीं है एक्चुअली, चाइनीज वेज फ्राइड राइस है। यहाँ पे मैक्सिमम यार नॉन वेज ही मिलता, सबसे बड़ा पंगा हुआ है, और हम दोनों है प्योर वेज। ओके गाइस, तो बहुत ज्यादा टाइम लगा के अंकिता तैयार हो गई है, मेरे को लगा मुश्किल से 2-4 मिनट 5 मिनट। सच बात, ज्यादा शर्म मत कर, बहुत ये कैमरे के सामने हमेशा है ना पलट जाती है हमेशा। बाय द वे तेरा लुक दिखा दे पीछे, निकल हिट हिट। अंकिता लग रही है ऐसी, एक्चुअली मैंने जंपर पहना था ऐसी, और मैंने पहना है ऐसा। दिखा ना मेरे को, दूसरा भी दिखा, पकड़ इसको। स्टाइल बाय एनके मिश्रा। ये जैकेट बहुत अच्छा है और महंगा है, ये टी शर्ट बहुत ज्यादा सस्ती है, और पैंट अपना वही पुराना है। खुद का इतना डिटेल में दिखाया, मेरा नहीं दिखाया। अरे क्या है इसको खुद दिखाना नहीं है, इसको है ना ये दिखानी है ये चोटी। और ये देखो इसकी इयर रिंग, लोखंडवाला मार्केट के रास्ते से ली थी इसने।
तो भैया आ चुके हैं, कब से हमने भैया को बहुत वेट करवाया ये अंकिता की वजह से। अभी हम मिलेंगे सीधा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की तरफ जाते हुए, और अंकिता ने इतना टाइम लगाने के बावजूद भी ये देखो अभी भी तैयारी हो रही है। गाइस वाली मूवी देखी स्त्री, उसमें वो चोटी होती है वो चुड़ैल की, वो सेम इसकी लग रही है आज। मैं कब से सोच रहा था कि इसकी चोटी कैसी लग रही है। तो कैब वाले भैया ने हमको ड्रॉप किया है, हाँ एक्चुअली वो लोग सामने भी आने वाले थे, मैंने बोला रुक जाओ यार आप फालतू में ट्रैफिक में फंस जाएगा, हमको भी लेट हो जाएगा, तो रोड हम करेंगे क्रॉस और हम हमारे बैजेस लेंगे सबसे पहले। तो ये वाले गेट से हमको एंट्री करने का है। उनकी तो बार बार गायब हो जाती है, पता नहीं मैं गायब नहीं होती, मैं वीडियो मन करता था छोटी खींच डालूं, पता है इनका वेट कर रहे थे। थैंक यू, पहले हमारे बैजेस आ गए। यहाँ पे गोल्ड फिश के सारे स्टार्स आने वाले हैं कल की एंड ऑल, और मुझे टेंशन यही हुआ कि ये ऐसा ना बोला कि अंकिता सवाल पूछेगी, मतलब अंकिता सवाल पूछेगी तो खत्म बाहर फेंक देंगे, बोलेंगे कल तो आना ही मत। मेरे क्वेश्चन तो कितने भाई सभी को पता है, मैं ना उसमें से कुछ पूछूंगी ना बोलो बोलेंगे मारा मुझे अपने कांड लेके निकाल। और मुझे अगर आप लोग ना गेस कर पाए हो तो हम है रेड कारपेट में, यहाँ पे सारी की सारी मीडिया है, यहाँ से सारे सेलिब्रिटीज वॉक इन करेंगे। हम लोग वैसे तो आज काफ़ी लेट आए क्योंकि हम आए ही काफ़ी लेट है। You know what, I actually watch all this like meditations and all. Nice. Because when I do my yoga, I like to have like some kind of routine, and I just listen to this person who's telling me to breathe and all that. So I don't know the names and all. I just okay. watch. I should try. We should try that because we fight a lot. We fight a lot. It just calms me down. Yeah. We have a like 10-year relationship. Still we have not got married. Next year planning. Oh, congratulations. So should we? Why not? You should. Why shouldn't you? Yeah. Meditation and then we fight. Okay. Yeah. And also like you know, 10 years is, that means you've already gone through everything. Yeah. Everything. Everything. Might as well just get divorced now. And other thing, why goldfish? Why goldfish? Why did I do that? No. Why is it called goldfish? Yeah. Because they say that a goldfish, the fish, has a memory of 10 seconds. Okay. And so because my mother's character has dementia, she's forgetting things a lot. Okay. And she's remembering, on the other hand, much of her past. Okay. So that's why goldfish. Nice. And what is your favorite part of the shoot and the movie? The favorite part was working with 3 camera setups because it meant that we never had to do any retakes. We were always working one close up on me, one on Deepthi, and one that was taking both of us. So it meant that we didn't have to worry about continuity or emotional. यहाँ पे एक आंसू आया तो अभी तभी करना है, वो सब नहीं सोचना था. And it was so much spontaneous. It was so spontaneous. Raw. Yeah. We could just do it and we never cut. It was like entire scene would happen. That is tough plus very good. Tell me one thing which is gold but not a fish. Many things are gold which are not a fish. Gold biscuit. Yeah. Yeah. Every gold thing except a fish is a gold actually, thing. Actually, yeah, right. Okay, got it. It was nice meeting you. Nice to meet you. अभी तो बोलने देगी. Temperature बहुत
तो अकेले बात कर ले, पकड़ कर ले व्लॉग, नहीं कर ले तू, कंटाला है यार। वैसे तो वहाँ पे ऐसा बिहेव नहीं किया, बट ये हमारा फर्स्ट वन ऑन वन था किसी बॉलीवुड सेलिब के साथ, ठीक है, मतलब एज अ यूट्यूब वीडियो, बाकी मिले तो काफी लोगों को हम। वो एंकर है, शी इज हैविंग फन एनीवेज। तो मैं बताता हूँ, हमने बाकी लोगों के साथ भी देखा, हमारे साथ देखा, बट इट वॉज वेरी फन, बहुत मजा आई, एंड शी इज ब्यूटीफुल इन रियल, इन फेस टू फेस बहुत ब्यूटीफुल है। शी इज कैसे गुस्से में देख रहे हैं कि जैसे नहीं हो, नहीं वो है बट और अब तो ये भगवान यहाँ पे भी नहीं छोड़ रही। गोल्डफिश मूवी आ रही है उनकी, तो या चलो अभी हम नेक्स्ट स्टॉप में जा रहे हैं मैरियट, तो वहाँ पे कुछ धमाकेदार पार्टी है। यार इसने चोटी मार दी किसी को, कल बहुत बड़ा दिन है क्योंकि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मिलने वाले हैं। कैब का वेट कर रहे हैं जो हमको है ना, एक्चुअली यूट्यूब वालों ने दे दी है कि भैया कैब तुम्हारी, तुमको जहाँ जाना हो, जितने बजे जाना हो, जहाँ जहाँ जाना हो, जो करना करो, ये कैब तुम्हारी है। पर फिर भी हम सोच रहे हैं टू व्हीलर रेंट लेने का घूमने के लिए, गोवा में घूमने का तो फील अलग है। हाँ मैरियट रिसोर्ट एंड स्पा ना। हाँ तो एक्चुअली ऊपर काफ़ी देर वेट किया और फिर पता चला हम कहीं और गलत जगह पे खड़े थे, एंड हम लोग नीचे जा रहे हैं, पार्टी नीचे की तरफ है। एंट्री के लिए एक और पास किया था जो हम लेना भूल गए, तो वो लेके आ रहे हैं। भाई बहुत भूख लग रही थी, मज़ा आ रहा है, स्टार्टर में वेज ज़्यादा है तो और अच्छा है, स्टार्टर सारा भूख लगी है इसलिए। ये देखो हम आपका कितना वेट किया, ये देखो इनको देखो, हेलो। तो अभी हम पार्टी से निकल रहे हैं क्योंकि वी आर नॉट पार्टी पीपल, तो पार्टी के ना मेरी एक सैचुरेशन लिमिट होती है थोड़ी देर बैठ। पार्टी में पता हम दोनों ने क्या किया, खड़े रहे, सबको देखा, जितने लोग हमको पहचाने, बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले, हमने बहुत सारे बात, मतलब बहुत सारी बात, हाँ, पर बातें की, मिले, मजा आई, समोसे तो बहुत खाए, मतलब वो वेटर जो समोसा सर्व कर रहा था ना, वो हमको देख के बोला रुक जाते, लो ले लो। भैया हमको लेने आ गए हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से होटल, होपफुली हमको टू व्हीलर रेंट पे मिल जाए, तो हम लोग वापस से निकलेंगे बाहर कुछ खाने पीने के लिए, और कुछ फेवरेट प्लेसेस है वहाँ पे, नहीं मिला तो नहीं मिले तो वहीं पे ही। और क्या, बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि हम पूरा दिन निकाल रहे हैं, खा के निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं खा रहे, पर प्रॉपर सेटिस्फेक्शन वाला खाना नहीं खाया अब तक, खाना नहीं खाया। चलो भैया भाई, गुड नाइट। होटल तो पहुंच चुके हैं पर सामने एक रेंटल वाला है, उसको जाके पूछ लेते होपफुली हमको बाइक या एक्टिवा, बाइक मिले तो ज़्यादा अच्छा ना, वैसे तो ऐसा देखते कुछ भी अच्छा व्हीकल मिल जाए। बंद है, फोन किया तो उठ नहीं रहे, बोले हम अभी नहीं देंगे। टेक्निकली हम रास्ते में कब से ही चले जा रहे हैं, मेरे को आ रही है मजा, अंकिता को मिल रही है सजा, क्यों उसे स्पोर्ट्स शूज पहने, मुझे गर्मी लग रही है, मेरे को जंप सूट ढीला है तो निकाल नहीं सकती, तेरे से ज्यादा गर्म मैंने पहन रखा है, मैंने बूट पहना हुआ है तो भी मुझे इतनी दूर तक चला ही जा रहा है। एक सेकंड, बूट पहने का मैंने बोला था तो मुझे थोड़ा ना पता, तो रास्ते में मुझे से चलाने, अच्छा वहाँ पे इफी से लेके सब जगह चलने में इसको प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे साथ चलना हो ना तब इसको तकलीफ हो जाती सारी दुनिया भर की, इसके लिए रेंट पे नहीं मिल रही, तो 3 किलोमीटर तक चला रहा है। एक्चुअली इसमें अंकिता की गलती है, जब मेरे को मिला ना तो मैंने बोला खड़ी तक, अंकिता बोला नहीं नहीं आगे आगे आगे, हाँ आगे ना, तो अभी चल रहे हैं ना वापस। ये क्या कर रही है अंकिता, मत कर मुझसे, मैंने क्या किया, तेरी वजह से मुझे 3 किलोमीटर चलने की, तेरे को बाइक पे घूमना है इसके लिए तेरे को 3 किलोमीटर चलाया मेरे को, मैंने नहीं बोला था ना, मैं अकेला जाके ढूंढ के आया था, तू बोले नहीं मैं तेरे साथ ही आऊंगी, 3 किलोमीटर अभी ये देखो जूते बिना चल रहे, कुछ लग गया तो चल जाता, तो मेरे को लगेगा ना तेरे को इतनी बर्बादी, तो रात को घूमने के क्या चस्के थे। ये रंकी से बाहर आए, अच्छी तो जगह पे आए, सोने का नहीं, मतलब सोने का नहीं, आराम नहीं, वो तो घर जाके भी सो सकते हैं ना, तो वहाँ पे भी तो शादी से कहाँ जीने देता है, गोवा में नाइट लाइफ, टीटो लेन बेबी, तू जा टीटो लेन में जो टीटो पीटो करना हो, कुछ ज्यादा ही भड़की हुई है, होटल जाके बात करता हूँ, हमारा एक्चुअली खाना भी बाकी है, जो पैकेज में मील है ना वो एक्चुअली उसका टाइम ओवर हो चुका है, 10 बजे तक ही मिलता है, 10 या 10:30 बजे तक, पर हम लोग 15 मिनट लेट पहुँच गए, फाइनली हमको टू व्हीलर रेंट पे मिल गई है और बहुत पास में मिली, हम बहुत घूम के आए और बहुत पास में भी, और अंकिता बहुत ज़्यादा गुस्से में है, यार कल की से मिलवाए फिर भी बुलेट ले रहे वैसे हम। पार्क कर दिए गाड़ी, एंड सालों पहले हम लोग एक जगह पे आए थे बीच साइड कुछ खाने के लिए, अंकिता ने ढूंढ के रही, मुझे तो पता भी नहीं था, उसके मुंह पे जाके वो जगह पे खड़ा रहा तो अभी मुझे याद नहीं आया, फिर मुझे धीरे धीरे अंकिता ने बोला तब याद आया कि यहाँ तो फोटो खींची थी, ये वाले खोपचे वाली गली में से जाना है इसलिए बाहर पार्क करनी पड़ी,
तो हम लोग ये वाले रेस्टोरेंट में आए हैं जो कि है लास ओलास। गाइस ऐसे ही है ना, गलियों में मूवी में दिखाते हैं, पता नहीं क्या फिर भूत मिलता है या फिर यहाँ मर्डर होता है। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं। ये ब्लॉग इतना लंबा छोटा बना है मुझे मालूम नहीं है, पर ऑब्वियसली अच्छा खासा बना होगा। बट बहुत मजा आई, बहुत ही स्पेशल ब्लॉग था एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा। कमेंट करना अगर आपको ऐसे और ब्लॉग्स चाहिए तो। और दो चीज़ें बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली दो लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ स्पेशली। पहला आप लोग, yes. आप लोगों के सपोर्ट एंड आप लोगों के प्यार की वजह से हम लोग जहाँ पर है वहाँ पर है। yes. दूसरा यूट्यूब एंड यूट्यूब टीम, वी लव यू एंड थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और आप लोगों को पता ही है बाकी, तो सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, लाइक शेयर कमेंट, डिस्कॉर्ड ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, बाकी यूट्यूब चैनल इसकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हिरन मिनी ब्लॉग में रोज मिनी ब्लॉग आता है, इसका भी मिनी ब्लॉग वहीं पर आएगा, तो जाके चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो डू चेक इट आउट, लेटेस्ट वीडियोज मिल जाएंगे। बाय, सुपर डुपर थक गया और कल बहुत लंबा दिन होने वाला है। बाय गाइस, गुड नाइट।